नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर हमारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य, कुंडली विशेषज्ञ, ग्रह नक्षत्रों के ज्ञाता मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता, और धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। कहते हैं कि जब जब ग्रहों की स्थिति बदलती है तो इंसान के जीवन में भी उथल पुथल मच जाती है। और गुरु बृहस्पति देव, जी हाँ, जो धन धान्य सुख साधन के बड़े कारक माने जाते हैं, वो इस 30 मार्च को सुबह 1 बजे अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। धनु से मकर में प्रवेश कर रहे हैं और उनका ये राशि परिवर्तन तकरीबन 30 जून तक रहेगा। तो ऐसे में गुरु बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन करना आपके जीवन में कितनी खुशियाँ ला सकता है, आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगा, राशि अनुसार आज हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि गुरु बृहस्पति, जी हाँ, गुरु आखिरकार हमारी जिंदगी में कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। जी बिल्कुल सही आपने सवाल किया कि आखिर जान लें कि गुरुदेव बृहस्पति हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं, कितना वो हमें प्रभावित कर सकते हैं, और जब वो स्वराशि में होते हैं तो क्या फल रहता है, और जब वो अपनी नीच अवस्था में आ जाते हैं तो किन चीज़ों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो देखिए, सबसे पहले बता रहे, जैसे कि आपने भी बताया कविता, कि 30 मार्च को जो गुरु हैं अपनी राशि को छोड़कर धनु राशि को मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि उनकी नीच राशि है, और यहाँ पर वो तकरीबन 3 महीने तक रहेंगे, 30 जून तक। उसके बाद फिर वो वापस बकरी अपनी राशि में चले जाएंगे, बकरी होकर केतु के साथ युति बनाएंगे फिर वो। तो जब ये गुरु नीच के 3 महीने के हो रहे हैं तो क्या प्रभाव इस समय पड़ने वाला है। देखिए, गुरु क्या है कि कुंडली में 5 चीज़ों के कारक होते हैं। गुरु ज्ञान के कारक हैं, गुरु भाग्य के कारक हैं, गुरु नौकरी व्यवसाय के कारक हैं, गुरु जो है कुंडली में पुत्र के कारक भी होते हैं, धन के कारक भी हैं, लाभ के कारक भी माने जाते हैं। सुख समृद्धि आपके पास कितनी रहेगी ये गुरुदेव बृहस्पति तय करते हैं। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति मजबूत है तो आपके पास सुख समृद्धि बहुत ज़्यादा रहती है। अगर कहीं बृहस्पति चंद्रमा की दृष्टि पर हो जाए तो विशेष लाभ मिलता है, गज केसरी राजयोग बन जाता है, तो सुख समृद्धि 4 गुना हो जाती है। आपको जीवन भर धन धान्य की, मान सम्मान की कभी हानि नहीं होती है। पुत्र पोत्र से आप युक्त होते हैं, बड़े बड़े मकान वाहन आपके पास होते हैं, यानी कि जीवन जो है फुल फील ऑफ प्रोस्पेरिटी से रहता है, सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहता है। तो ये गुरु का प्रभाव होता है। जिन व्यक्ति की कुंडली में गुरु शुभ होते हैं वो व्यक्ति ज्ञानी होते हैं, यानी आपको एक अच्छा स्कॉलर बनना चाहते हैं, आप बड़े विद्वान बनना चाहते हैं, आप अपने फील्ड में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं। अगर आपकी कुंडली में गुरु मजबूत नहीं है तो वो संभव ही नहीं है कि आप मास्टर बन जाएं। तो गुरु ज्ञान के कारक भी हैं, शिक्षक भी हैं। अगर आपको बहुत अच्छे वक्ता बनना है, आपको बहुत अच्छा शिक्षक बनना है, तो कुंडली में गुरु का पावरफुल होना बहुत ज़रूरी है। तभी व्यक्ति बहुत अच्छा शिक्षक बनता है, अच्छा प्रधानाचार्य बनता है और अच्छा वक्ता बनता है, क्योंकि गुरु जो है ज्ञान के कारक है, ज्ञानी पुरुष है। हमने देखा है कि जिन व्यक्ति की धनुराशि होती है, कविता, मीन राशि होती है, या जिन व्यक्ति के लगन में बृहस्पति होते हैं, पंचम में होते हैं, दशम भाव में होते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत ज्ञानी देखे गए हैं, या एकादश भाव में बृहस्पति हो, इनके ऊपर कहते रहे ना कि गुरुदेव की असीम कृपा होती है, ज्ञान इनको स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, यानी कि इनकी इंट्यूशन बहुत ही पावरफुल होती है। तो गुरु का मजबूत होना कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कहते हैं कि जब गुरु नीच के हो जाते हैं तो इन सब चीज़ों की कमी कर देते हैं। आपने देखा होगा जितने बच्चे जब जन्म लेते हैं उस समय अगर गुरु नीच का हो तो इन सुखों में कमी कर देता है कुंडली में, कहीं ना कहीं ये सुख देर से मिलते हैं या बहुत ही कम उनको जीवन में खुशियाँ मिलती हैं, संघर्ष बहुत करना पड़ता है, आर्थिक स्थिति बड़ी खराब रहती है। तो इस बार के जो बृहस्पति हैं ये कुछ अलग स्थिति बन रही है। मेरा मानना है कि मेरे ज्योतिष में जो अध्ययन है वो ये कहती है कि गुरु जब भी जैसे नीच के हो जाएंगे, लेकिन वहां पर युति किनके साथ होती है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कुंडली में अगर गुरु अकेले नीच के बैठे हैं तो नुकसान करते हैं, लेकिन अगर यही गुरु नीच भंग राजयोग बना रहे हैं तो विशेष लाभकारी हो जाएंगे, नीचता भंग हो जाएगी, अशुभ जो करना चाह रहे हैं वो नुकसान नहीं होगा, क्योंकि गुरु धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में आ रहे हैं, और मकर राशि में इस समय फिलहाल जो है आपके शनि विराजमान है, और 22 तारीख को यहाँ पर शनि के साथ मंगल की युति हो जाएगी, और जैसे आप बता रही हैं कि 30 तारीख को सुबह 1:03 पर यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति भी विराजमान हो रहे हैं,
तो यानी कि ये तीन ग्रह जब एक राशि में बैठेंगे तो क्या कमाल करेंगे। देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा कि गुरु की निष्ठा भंग हो रही है, नीच भंग राजयोग बन रहा है यहाँ पर, क्योंकि और मंगल यहाँ पर उच्च के हैं, गुरु नीच के हो रहे, निष्ठा भंग हो रही है, स्वराशि के शनि भी हैं। तो ये तीन ग्रह जब एक साथ बैठेंगे तो 12 राशियों में क्या फल देंगे, क्या रिजल्ट रहेगा, किन के लिए कितना बेहतर रहेगा और क्या उसके उपाय भी होंगे, ये आज हम आपको बताएंगे। चलिए अब फटाफट से हम जान लेते हैं कि गुरु का ये राशि परिवर्तन राशि अनुसार क्या प्रभाव डालेगा और शुरुआत कर लेते हैं फटाफट से आपकी मेष राशि से। जी बिल्कुल, देखिए गुरु का दशम भाव में जाना मेष राशि वालों के लिए वैसे आमतौर पर परेशानियां पैदा कर देता है, लेकिन यहाँ पर नीच भंग राजयोग बनता है तो गुरु का यहाँ जाना आपके लिए कार्य व्यवसाय में लाभ की प्राप्ति होगी, धन लाभ की प्राप्ति होगी, लेकिन कभी कभी कार्यों में अड़चने भी आएंगी। आपके अपने कलीग्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ कोई वाद विवाद हो सकता है, तो ये थोड़ा संभल कर चलिए आपके लिए बताया जाता है। और मेष राशि वाले थोड़े एग्रेसिव ज़्यादा होते हैं, गुस्सा अधिक आता है, वाणी पर थोड़ा संयम बरतेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सेहत का इस समय आपको ध्यान रखना चाहिए, सुख साधनों में जबरदस्त वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में। देखिए वृषभ राशि वालों की भाग्य वृद्धि के संकेत बनते हुए नजर आ रहे हैं, भाग्य के बल पे समय आप बड़े कामयाब होंगे। अब तक आपके काम जो अटके हुए थे, स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी थी तो वो भी दूर होती हुई नजर आ रही है, काम आपके बनेंगे, विवाह के प्रस्ताव आएंगे और विवाह के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर वृषभ राशि वालों के लिए भी ये गोचर बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। धर्म कर्म में जितना रुचि आप रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा और भाग्य वृद्धि के योग बनेंगे। चलिए गुरु का राशि परिवर्तन मिथुन राशि वालों को क्या कुछ देकर जाएगा, आइए जानते हैं। देखिए मिथुन राशि वालों की सेहत में तेजी से सुधार होगा, इस समय मिथुन राशि वालों की परेशानियां कम होती हुई नजर आ रही हैं और नीच भंग राजयोग से इनको लाइफ में काफी कुछ अचीव होने वाला है। इस समय दौरान, इन तीन महीनों के दौरान इनको विशेष धन लाभ की प्राप्ति होगी और ये इस समय बहुत ज़्यादा अपने अंदर कॉन्फिडेंस को भी महसूस करेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल इनका बहुत हाई रहेगा और बहुत मेहनती इस समय अगर ये हो जाते हैं तो इनके ग्रह नक्षत्र और भी पावरफुल हो जाएंगे, यानी कि आप मेहनत कीजिए, सफलता आपके सामने खड़ी है। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा गुरु का धनु में मकर में प्रवेश। देखिए कर्क राशि वालों के लिए धन लाभ के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सप्तम भाव में गुरु बैठे, कार्य व्यवसाय में बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। जीवन साथी के साथ वाद विवाद से आपको बचना चाहिए, सलाह है, क्योंकि मांगलिक योग भी यहाँ बन रहा है सप्तम भाव में और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रिलेशनशिप इस समय बन सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव में नीचे गुरु हैं, थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है आपको रिश्तों में। कर्क राशि वालों इस समय आपको इन तीन महीने रिश्तों में संभल कर चलना है, अन्यथा आपको बदनामी भी मिल सकती है। इस समय थोड़ा सोच समझ कर कदम उठाएं अगर आप मैरिड हैं, और जिन लोग अभी तक विवाह नहीं हुआ है उनका विवाह होना इस समय निश्चित है या विवाह उनका तय हो जाएगा। इस समय सगाई रोकना हो सकता है, काम कारोबार में नौकरी व्यवसाय में कर्क राशि वालों को बड़ी सफलता मिलेगी, आर्थिक लाभ के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं, सेहत में भी इस समय तेजी से इनके सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक सलाह देंगे, खान पान पर संयम बरतें, ऑयली फूड जंक फूड से इस समय आपको कर्क राशि वालों को बचना चाहिए, अन्यथा पेट संबंधी रोग आपको परेशान कर सकते हैं। चलिए गुरु के राशि परिवर्तन के चलते ये तीन महीने आखिरकार सिंह राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे, आइए जानते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कुल मिलाकर ये समय बेहद ही शानदार रहने वाला है, आपको कार्य व्यवसाय में आपका प्रमोशन हो सकता है, नए कार्य की शुरुआत हो सकती है, हालांकि खर्च भी इस समय अधिक रह सकता है। व्यर्थ के वाद विवाद से आपको बचना चाहिए, इस समय शत्रु इस समय आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, यानी कि इस समय आप हावी रहेंगे अपने शत्रुओं के ऊपर। कुल मिलाकर सफलता मिलती हुई आपको नजर आ रही है, कुल मिलाकर समय बेहतर है, इस समय का फायदा उठाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा गुरु का ये राशि परिवर्तन। जी बिल्कुल, देखिए कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ संकेत है, आपके संतान के विवाह के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं, आपको कार्य व्यवसाय में बड़ी सफलता मिलेगी। अगर आपका काम धंधा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का है, कपड़े से संबंधित व्यवसाय करते हैं या बुक्स रिलेटेड कोई व्यवसाय करते हैं, प्रिंटिंग प्रेस का काम है, तो समझ जानिए कि आपका काम बड़ा जबरदस्त चलने वाला है, बड़ा आर्थिक लाभ इस समय आपको मिल जाएगा। कुल मिलाकर कन्या राशि वालों के लिए समय एक परिवर्तन की ओर नजर आ रहा है, शुभ समय की शुरुआत हो रही है, आपको बहुत अच्छी अच्छी खुशखबरी इस समय के दौरान मिलेगी
और नए काम की शुरुआत अगर करना चाहते हैं तो इस समय आप कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते और जान लेते हैं कि गुरु खास तौर पे तुला राशि वालों को क्या कुछ देकर जाएंगे। तुला राशि वालों के लिए ये संकेत काफी अच्छा नजर आ रहा है। कार्य व्यवसाय में उनको बड़ी सफलता मिलेगी, लेकिन मानसिक तनाव इस समय आपके ऊपर रहेगा। मन में कोई बेचैनी घबराहट रहेगी, किसी चीज की चिंता सताएगी, तो कोई चिंता छोड़ दीजिए इस समय। चिंता ना करें, चिंतन करें कैसे कि उस समस्या से निकला जा सके, तो आपके लिए बेहतर होगा। अपना समय जो है सोच विचारने में ज्यादा खराब मत कीजिए, जो भी करना चाहते हैं इस समय कर डालिए। बहुत ही अच्छा इस समय योग रहेगा आपका। मंगल उच्च के हैं फोर्थ हाउस में, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देंगे। गुरु के साथ बैठकर नीच भंग राजयोग भी बनता है। अगर आप वाहन लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो इस समय आपको बिल्कुल मिल सकती है। 3 महीने आपके लिए बेहद ही अच्छे रहने वाले, जितना मेहनत करेंगे उतना अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। और जैसे कि महिंग जी ने कहा ना कि चिंता करने के बजाय चिंतन कीजिए। जी हाँ, जो चिंता होती है वो चिता समान होती है। इसे कोशिश कीजिएगा कि कोई भी परेशानी हो तो उसका चिंतन करें। चलिए आगे बढ़ते और जान लेते हैं कि खास तौर पे वृश्चिक राशि वालों को गुरु क्या कुछ देकर जाएंगे। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के पराक्रम में वृद्धि होगी, काम कारोबार में भी सफलता मिलेगी, भाग्य भी आपका पूर्ण इस समय साथ देगा। जितना ज्यादा आप धर्म कर्म की ओर जाएंगे उतना ही आपका भाग्योदय होगा। कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वालों के लिए एक नए समय की शुरुआत हो रही है। आप मेहनत कीजिए और जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी ही सफलता आपको आगे मिलेगी। एक सलाह यह है कि संबंधों में इस समय सुधार करना आपके लिए जरूरी है। रिलेशन खराब ना करें वृश्चिक राशि वालों, इसी का विशेष ध्यान रखना आप 3 महीने में, और जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही सफलता आपके सामने खड़ी रहेगी। चलिए अब आगे बढ़ते और जान लेते हैं हम धनु राशि वालों के बारे में। धनु राशि वालों के धन लाभ के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। काम कारोबार में भी इनको सफलता मिलेगी। वैवाहिक सुख की इनकी वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर धनु राशि वालों के लिए समय जो है धीरे धीरे इनका परिवर्तन कर रहा है। आने वाला समय इनका और बढ़िया नजर होता हुआ आ रहा है। जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, आपके लिए भी सलाह है इस समय, उतनी ही आपको सफलता मिलेगी। कोई लापरवाही इस समय धनु राशि वालों को नहीं बरतनी चाहिए, अन्यथा ये बहुत महंगी पड़ सकती है। चलिए अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने जान लिया कि मेष राशि से लेके धनु राशि तक गुरु का ये राशि परिवर्तन क्या प्रभाव डालेगा। अब धनु के बाद बात आती है हमारी मकर राशि की, और जान लेते हैं कि उन पर गुरु की कृपा कैसे रहेगी। देखिए, मकर राशि वालों के लगन में ही मंगल और यहाँ पर शनि भी होंगे, गुरु भी होंगे, तो गुरु का यह शुभ प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। आपके जीवन में एक परिवर्तन आएगा, बड़ा सकारात्मक परिवर्तन। किसी नए कार्य की शुरुआत होगी, आपके विवाह के भी योग बनेंगे, काम कारोबार में अच्छी तरक्की होगी, जीवन साथी का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा, जीवन साथी की भी तरक्की होगी। संतान सुख के भी समय आपके योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनको इस समय गुड न्यूज मिलेगी, यानी कि कंसीव भी हो जाएगा और बहुत अच्छी श्रेष्ठ संतान आपके घर में इस समय आएगी। तो मकर राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। भाग्य वृद्धि के भी इनके योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं हम कुंभ राशि वालों के बारे में। कुंभ राशि वालों के लिए ये समय थोड़ा सा चैलेंजेस भरा रह सकता है, यानी कि आने वाले जो महीने हैं मेहनत आपको ज्यादा करनी चाहिए। देखिए, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, मेहनत से पीछे नहीं हटना है और भाग्य के भरोसे इस समय आपको नहीं बैठना चाहिए। ये अगर आपने चीजें ध्यान रखी इन 3 महीने में, ये फॉर्मूला अपना लीजिए तो बड़ी सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। अचानक से कहीं से धन लाभ आपको मिल सकता है। कोई बड़ी परेशानी, कोई बड़े संकट से इस समय आप उभर जाएंगे। अगर कोर्ट कचहरी का कोई मुकदमा चल रहा है तो उसमें भी फैसला आपके पक्ष की तरफ आ सकता है। तो कुंभ राशि वालों के लिए समय मिला जुला रहेगा। कुल मिलाकर मेहनत के ऊपर आपके डिपेंड करेगा, क्योंकि यह भाग्य प्रतिशत थोड़ा कम है। मेहनत करेंगे तो बड़ी सफलता आपको मिलेगी। जी, और बिल्कुल गुरु जो कि धन धान्य के बड़े कारक माने जाते हैं, और ऐसे में मीन राशि पर उनका कैसा प्रभाव पड़ेगा, आइए जानें। देखिए, मीन राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार समय रहेगा। गुरु का जो जो बैठना है वो लाभ स्थान में है, और लाभ स्थान में गुरु बैठते हैं तो बहुत लाभ ही लाभ करेंगे। कुल मिलाकर व्यवसाय वाले जो है मीन राशि वाले, उनके लिए समय ज्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि उनको अप्रत्याशित धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। एक से ज्यादा व्यवसाय की इस समय शुरुआत आप कर सकते हैं। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये बेहतरीन समय है, या जिनका यह काम है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, उनको बड़ी सफलता इस समय मिलेगी। विदेशों से धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर आपके लिए मीन राशि वालों इस समय बहुत ही शानदार रहेगा।
स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय उतना ही बेहतर है जितना व्यवसायियों के लिए है। आप मेहनत कीजिए, मानसिक तनाव से इस समय आप बचिए और थोड़ा सा खान पान पर संयम बरतेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो ये हमने आज मयंक शर्मा जी से जाना, जो कि हमेशा से ये हमारे साथ बैठकर ग्रह नक्षत्र जब भी अपनी स्थिति बदलते हैं तो इनका विश्लेषण करते हैं और फिर ये बताते हैं कि ग्रह नक्षत्रों का बदलना आपके जीवन में क्या बड़ा परिवर्तन ला सकता है। और इसी तरह हमने इनसे जाना कि गुरु का ये राशि परिवर्तन आखिरकार आपके जीवन में कितनी खुशियाँ लेकर आएगा। इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त, लेकिन जाते जाते जैसे कि मैं हमेशा अपने दर्शकों को याद दिलाती हूँ कि अगर आप भी चाहते हैं आपकी कुंडली का विश्लेषण मयंक जी करें या फिर साथ ही साथ वास्तु से संबंधित कोई भी सवाल हो, ज्योतिष विद्या से संबंधित मन में कोई भी सवाल हो जो आप जानना चाहते हैं, तो बेझिझक स्क्रीन पर देख रहे इस नंबर के जरिए आप डायरेक्ट मयंक शर्मा जी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।